Good morning, students. This is part 7 of unit 10, Hello Alkane and Hello Arenes. Okay. In the last video, we have discussed about method of preparations of Hello Alkane. जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम अल्कोहल से क्या बना रहे थे, हेलो एल्केन्स बना रहे थे. आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन. ओके, हेलो एल्केन किससे बना रहे हैं हम, एल्केन से, बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 11, बट फिर से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि फ्री रेडिकल क्या होता है. ठीक है, तो पहले तो देखते हैं किस तरीके से एल्केन से हम हेलो एल्केन बनाएंगे. इसको क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन. ठीक है, तो कैसे होगा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन. हम कोई भी एक एल्केन ले लेते हैं, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पर, मिथेन. मिथेन का हेलोजिनेशन कराएंगे, कोई भी एक हेलोजन ले लेंगे उससे. फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन रिप्लेस कर देगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3Cl+HCl. और ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में. ठीक है, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड वी गेट हेलो एल्केन. इस केस में हमको क्या मिला, क्लोरोमेथेन. ठीक है, पर इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे आया, तो जब भी सनलाइट का प्रेजेंस होता है ना, हमेशा वो रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही होता है. कैसे, जैसे ये Cl है ना, Cl2 है, Cl-Cl के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है. जब इस पर सनलाइट पड़ता है HNu, तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है ना. आपको मैंने पढ़ाया था हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज. क्लीवेज मीन बॉन्ड का फ्यूजन. ओके, बॉन्ड टूट जाता है. सो जब सनलाइट इस पर पड़ता है Cl2 पे, तो यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज होगा. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी इक्वली शेयर्ड बाई बोथ द एटम. और क्या बना लेंगे, वो फ्री रेडिकल्स बना लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों शेयर करते हैं और क्या बना लेते हैं, फ्री रेडिकल्स. इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ठीक है, CH4 के केस में भी ऐसे ही होगा. CH4 को ऐसे लिख सकते हो आप, तो यहाँ पर फिर सनलाइट के प्रेजेंस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों शेयर करेंगे, तो हमको क्या मिलेंगे, एक CH3 का रेडिकल मिलेगा और एक H का रेडिकल मिलेगा. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. उसके बाद ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे. ठीक है, तो ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो इस केस में इस तरीके से क्या होता है, कंटिन्यू होता है. अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था इनिशिएशन, फिर प्रोग्रेशन, देन टर्मिनेशन ऑफ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. आप 11th की बुक निकाल के पढ़ेंगे एल्केन में, तो उसमें था ये और मैंने पढ़ाया भी था आपको. तो ये जो मेथड हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, पर ये जो इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है, यहीं पर ही स्टॉप नहीं होती है. अभी और भी ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही एटम होगा हमारे पास, एक ही मॉलिक्यूल होगा Cl2 का, और भी बहुत सारे Cl2 के मॉलिक्यूल्स होंगे. तो ये जो Cl2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ये CH3Cl से क्या करते हैं, अगेन रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, CH2Cl2 बना लेंगे और HCl बना लेंगे. ठीक है, सिमिलरली और बचे हुए जो Cl2 हैं, वो फिर इसके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, CHCl3 और एक HCl. फिर बचा हुआ Cl2 इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, CCl4. तो अब देखोगे ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है जब तक कि हमको CCl4 नहीं मिल जाता. ठीक है, तो आप देखोगे ये रिएक्शन से हमको सिर्फ एक हेलो एल्केन नहीं मिलते, बहुत सारे डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन भी मिल जाते हैं. तो हमको एक प्रोडक्ट चाहिए, जबकि हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, मिक्सचर मिल जाता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज़ नॉट प्रेफरेबल. ये मेथड जनरली लेबोरेटरी में यूज़ नहीं करते हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए, क्योंकि वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं. ठीक है, तो एल्केन से जब हम एल्केन का जब हम हेलोजिनेशन करते हैं, तो ये मेथड प्रिफर्ड नहीं होता है हेलो एल्केन बनाने के लिए इन द लेबोरेटरी. व्हाई, बिकॉज देखो यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, इनको सेपरेट करना मुश्किल होता है इन मिक्सचर्स को. दैट्स व्हाई वी डोंट यूज दिस मेथड. ठीक है, क्लियर हुआ क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. हमने पढ़ा था जब भी सनलाइट का प्रेजेंस होगा वहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होगा. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जब सनलाइट इस बॉन्ड पे पड़ेगा, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक बॉन्ड है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दो,
तो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इस तरीके से हमको फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। याद है होमोलिटिक क्लीविज, फिर हेट्रोलिटिक क्लीविज में क्या होता था, जैसे HCl है, HCl होगा तो क्या होगा, यहाँ पर हेट्रोलिटिक क्लीविज होगा क्योंकि बॉन्ड की जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसको चले जाएंगे, क्लोरीन को, और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कैटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीविज। तो इसमें हमको कैटायंस और एनायंस मिलते हैं, जबकि जो होमोलिटिक क्लीवेज है उसमें हमको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। इसलिए इसको, इस वाले मेथड में हमको फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमने मेथेन से क्या बनाया, क्लोरोमेथेन, बट उसके अलावा भी हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल गए, मिक्सचर मिल गया। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग प्रोपेन का। ठीक है, अब इस प्रोपेन का जब क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो हमको फिर से दो आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि क्लोरीन इससे ऐड हो, क्लोरीन इससे भी ऐड हो सकता है, क्लोरीन इससे भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा ये और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, तो हमको आइसोमर मिल गया। देखो, दिस इज दी आइसोमर ऑफ क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन का आइसोमर है ये, जो है ये 55% प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, और ये जो होता है ये 45% प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में। तो अगेन वी गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इन केस ऑफ हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। जब भी हम एल्केन का हैलोजन करते हैं हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए ये जो मेथड है ये प्रेफरेबल नहीं है। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये 55% मिल रहा है, ये 45% मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ये ज़्यादा क्यों मिला, व्हाट व्हाई इट इज़ मेजर प्रोडक्ट एंड व्हाई इट इज़ माइनर प्रोडक्ट। तो इसका रीज़न क्लियर है, यहाँ पर देखो क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से, और यहाँ क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन। ये जो है प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो हमको पता है कि जो सेकेंडरी जो कार्बन होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन दी प्राइमरी कार्बन, तो ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू दिस, इसलिए Cl जो है यहाँ पर जाके ऐड हो जाता है जल्दी से, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये कम रिएक्टिव है और ये ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए इसके हमको ज़्यादा कंपाउंड, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं और इसके प्रोडक्ट हमको कम मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ दी हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। क्लियर हुआ? अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इस मेथड में। क्लियर हुआ? तो किस तरीके से हमने एल्केन से क्या बनाया, हेलो एल्केन। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन से कैसे एल्केन बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक, सो फ्रॉम एल्कीन, अब इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ नहीं होता, इसमें एडिशन रिएक्शन यूज़ होता है। ठीक है, अब देखोगे एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में इस तरीके से डबल बॉन्ड होते हैं, है ना, तो ये जो डबल बॉन्ड में जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बहुत ही लूजली बॉन्डेड होते हैं, ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बॉन्डेड, सो दिस एल्कीन कंटेन्स लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, कोई भी हेलोजन आके क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। ठीक, तो पहला हम एल्कीन से अगर हेलो एल्कीन बनाते हैं तो जो फर्स्ट मेथड है वो देखेंगे, ये थर्ड मेथड था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। अब हमारे पास कोई एक एल्कीन है, कोई भी एल्कीन, यहाँ से R जुड़ा हो सकता है, H जुड़ा हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, इसमें अब कोई हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX, ठीक है, HX ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जाके एक कार्बन में ऐड हो जाएगा और हैलोजन जाके एक कार्बन में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसका एक वैलेंसी बचा है, इसका भी एक वैलेंसी बची है, तो हाइड्रोजन एक जगह जाके आ जाएगा और हैलोजन एक जगह हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा इसका, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, एक जगह जाके हैलोजन चला गया और एक जगह क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया,
तो इस तरीके से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है, इट इज़ अ सिंपल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लो एक, पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन देखेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब ये जो डबल बॉन्ड है दोनों के, इन दोनों के तरफ जो एल्काइल ग्रुप होंगे या हाइड्रोजन होंगे वो सेम होंगे, जैसे कि इथीन है ना, ये सिमेट्रिकल है, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सो दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। जब इससे कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होगा तो क्या होगा, एक में H जुड़ जाएगा, एक कार्बन में Cl जुड़ जाएगा, तो कैसे बनेगा ये, यहाँ पर एक H जुड़ गया, डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर एक Cl जुड़ गया, सो दिस इज द कंपोनेंट हेलो एल्केन। क्लियर हुआ, एडिशन रिएक्शन है सिंपल, ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, ये है ब्यूटीन, ओके। इसका नाम कैसे लिखोगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4 इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन, है ना, ब्यूटीन है। आप देखो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है, सो दिस इज़ अ सिमेट्रिकल एल्कीन। इस पे अगर हम कोई भी एक हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं HBr और इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो एक यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन से H जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन से Br, तो क्या बन जाएगा, CH3 तो सेम रहेगा, यहाँ पर एक H जाके ऐड हो गया और यहाँ पर सपोज Br जाके ऐड हो गया, तो ये बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, नाम दे दो 1, 2, 3, 4, सो 2-bromo और ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2-bromo ब्यूटेन। सो इस तरीके से जब सिमेट्रिकल हमारे पास एल्केन होंगे तो क्या होगा, ये जो भी हाइड्रोजन हैलाइड है उसमें एक कार्बन पर हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जो है जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये कौन सा केस है, जब सिमेट्रिकल कार्बन है तो हमको एक ही प्रोडक्ट मिलता है अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो। बट अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम फॉलो करेंगे मार्कोव निकोव लॉ, ठीक है। मार्कोव निकोव रूल हम पहले भी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, उसको फिर से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब कोई भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट होगा। कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये हम कौन से रूल से पता करेंगे, मार्कोव निकोव लॉ से, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ तो कुछ भी नहीं है पर डबल बॉन्ड के इस तरफ CH3 ग्रुप है, सो दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इसमें हम HBr का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। सो आपको मार्कोव निकोव रॉ पता ही होगा, क्या होता है मार्कोव निकोव लॉ में, जो नेगेटिव पार्ट है वो किससे जाके अटैच होगा, जिसमें नंबर, उस कार्बन में जाके अटैच होगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम। तो ये नेगेटिव किससे जाके अटैच होगा, इस वाले कार्बन से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है। सो दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा पर वो माइनर होगा, वो कम अमाउंट में बनेगा, ठीक है। सो दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी माइनर, समझ में आया। मेजर क्यों है, मार्कोव निकोव लॉ लगाएंगे। मार्कोव निकोव लॉ में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे, जिस डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन कम होंगे, नेगेटिव पार्ट क्या होगा, उससे जाके ऐड होगा। और हाइड्रोजन किससे जाके ऐड होगा, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो नेगेटिव पार्ट किससे जाके ऐड हो जाएगा, इस वाले कार्बन से। और हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है ये वाले कार्बन में, तो हाइड्रोजन वहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट बनेगा पर ये बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, इसलिए इसको हम माइनर बोलेंगे, ठीक है। सो HBr, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है,
ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उस समय हमको कोई हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड करना है, तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? मार्कोव निकोव रूल, जो हम ऑलरेडी क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी मैंने बता दिया कि मार्कोव निकोव रूल क्या होता है। ओके, क्या होगा फिर से एक बार सुन लो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्या होगा, ये जो नेगेटिव है, चाहे वो हेल कोई भी कंपाउंड है, उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किससे जाके अटैच होता है? जिस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ठीक है, आपको डबल बॉन्ड को ही देखना है, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है वहाँ पर नेगेटिव पार्ट जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर जाके हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, सो दिस इज मार्कोव निकोव रूल। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद हमने, याद होगा आपको क्लास 11 में एंटी मार्कोव निकोव रूल भी पढ़ा था, है ना? क्या था एंटी मार्कोव निकोव रूल में, क्या पढ़ा था हमने कि यहाँ पर हमने देखा कोई भी कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, पर एंटी मार्कोव निकोव रूल में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई परोक्साइड प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई भी परोक्साइड प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, उस केस में उल्टा हो जाएगा, है ना? इसी का ही ले लो, CH3CH CH2HBr। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी परोक्साइड क्या है, प्रेजेंट है। सो परोक्साइड की प्रेजेंट में एंटी मार्कोव निकोव रूल, जिसको खराश लॉ भी बोलते हैं, वो होता है। उसमें क्या होगा, अब नेगेटिव पार्ट किस में जाके ऐड होगा, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहेंगे, उस कार्बन में जाके ऐड होगा। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है, अब देखो जो नेगेटिव पार्ट है इसका HBr का, वो कहाँ जाके ऐड हुआ है, उस कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, और जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम है वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। सो दिस इज अ एंटी मार्कोव निकोव रूल। तो परोक्साइड के प्रेजेंस में इसके जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर परोक्साइड प्रेजेंट नहीं है तो हम मार्कोव निकोव रूल लगाएंगे, जिसमें Br कहाँ अटैच होगा, इस वाले कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन कम है। क्लियर हुआ? जबकि परोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, Br उसमें जाके ऐड हो जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। सो दिस इज एंटी मार्कोव निकोव रूल। समझ में आया, मार्कोव निकोव रूल और एंटी मार्कोव निकोव रूल। तो किस तरीके से हम एल्कीन से क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन बना रहे हैं। ठीक है, तरीका समझ में आया, कैसे बना रहे हैं एल्कीन से हेलो एल्केन। पहला मेथड हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड का आपस में रिएक्शन कराया और हमको क्या मिल गया, हेलो एल्केन। ठीक है, दूसरा है, इसी में एडिशन ऑफ हैलोजन्स। अभी हमने देखा था एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, अभी हम देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, सो एडिशन ऑफ हैलोजन में क्या होता है, दूसरा ये एक एल्कीन हो गया, इस एल्कीन में कोई भी एक हैलोजन जैसे Br2 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक Br इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, एक Br इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। सो हमको इसमें क्या मिला, विसिनल डाइहैलाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1,2-dibromo इथेन। ठीक है, सो ये रिएक्शन भी हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, हैलोजिनेशन, है ना, एडिशन ऑफ हैलोजन ऑफ इन एल्कीन, एल्कीन लिया उसमें हैलोजन का ऐड किया। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसका यूज हम डबल बॉन्ड डिटेक्शन में भी करते हैं। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड क्यों, कैसे करते हैं, ये जो Br2 होता है ना, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, या लिक्विड है तो ब्राउन कलर की होगी ये। ठीक है, ये ब्राउन कलर का होता है, जब इसमें हम कोई भी ऐसा कंपाउंड डाल दें जिसमें डबल बॉन्ड हो। ठीक है, Br2 कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का, इसमें हम कोई भी ऐसा कंपाउंड डाल दें कि जो डबल बॉन्ड का हो, तो जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो क्या हो जाता है, कलरलेस। ठीक है, वो जो आपने ब्रोमीन लिया, एक सपोज एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ब्रोमीन लिया जो ब्राउन कलर का, उसमें डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड डाल दिया तो वो कलरलेस हो जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि जो भी कंपाउंड हमने डाला उसमें क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड डिटेक्शन में भी इस
ये मेथड का क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज़ यूज इन डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। सो दिस इज एडिशन ऑफ हेलोजन इन एल्कीन। एल्कीन लिया, उसमें हमने हेलोजन क्या किया, ऐड हो गया। इसकी जगह आप सी एल टू भी लेके बना सकते हैं, बी आर टू की जगह क्या हो सकता है, सी एल टू भी हो सकता है। तो यहाँ बी आर की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो हमको 1,2 डाइक्लोरो एथेन मिल जाएगा। तो इस तरीके से एल्केन और एल्कीन से हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड है वो है हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम दो नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, एक होगा फ्रिंकल, वन मिनट, एक स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, और एक होगा फिंकल स्टेन रिएक्शन, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज में दो नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी आप बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेवेंथ में आपने फ्रिडल क्राफ्ट जैसे एक नेमिंग रिएक्शन पढ़ा था, वैसे यहाँ बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन होंगे, और नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस नेमिंग रिएक्शन को बहुत अच्छे से आप लर्न करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय हेलोजन एक्सचेंज मैथड। ओके, थैंक यू।